बेटा, हमने एक चैप्टर शुरू करना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मम्मी यूनिट, न्यू चैप्टर है, हेडिंग डालें। हाँ जी बेटा, न्यू चैप्टर है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो चैप्टर 2, राइट। तो पहले समझना है आपने कि क्या है क्लासिफिकेशन। जैसे अब आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे आ गए, है ना, तो हम क्या करते हैं, जब उनको सॉर्ट आउट करना होता है तो पहले हम सॉर्ट आउट क्या करते हैं कि क्लास वाइज खड़े हो जाओ, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 10th क्लास, इस तरह से क्लास वाइज अलग अलग हो जाओ। चलो जी, क्लास वाइज अलग अलग हो गए, तब भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है या बच्चे बहुत ज्यादा है। फिर हम कहते हैं सेक्शन वाइज अलग अलग हो जाओ, हर सेक्शन के बच्चे अलग अलग हो गए। फिर हम कहते हैं अब परसेंटेज वाले अलग अलग हो जाओ, ठीक है, 100, 90 to 100 वाले इस रो में खड़े हो जाओ, फिर 80 to 90 वाले, इस तरह। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। तो सेम वे हेयर ऑल्सो, बिकॉज एज देयर आर 1.5 million एनिमल्स एंड 1.5 million टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 million टाइप्स ऑफ प्लांट्स। Therefore, based on their similarities, and differences, they are placed under different categories बहुत सारी हमने कैटेगरीज बना ली, फिर उन कैटेगरीज में हम इनको रख देते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटेगराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। एक टर्म आ जाती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्या पढ़ाती है ये, विच डील्स विद, पहला है आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट है, एनिमल है, लोअर एनिमल है, हायर एनिमल है, कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। फिर सेकंड है इसका नॉमनक्लेचर, उसका नाम रखना, साइंटिफिक नाम रखना। साइंटिफिक नाम में उस नाम का मतलब होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो उसका नोमेनक्लेचर करना, नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। एंड थर्ड है प्लेसिंग इट इन कैटेगरीज। सबसे पहले इस स्कूल का, लेट अस से हम बच्चों की कैटेगराइजेशन करते हैं, तो हम लेट अस से हम कहते हैं इस स्कूल का बच्चा है, फिर इस क्लास का बच्चा है, फिर इस सेक्शन का बच्चा है, फिर इस परसेंटेज का बच्चा है, ठीक है। इसी तरह से हम ऑर्गेनिजम्स की भी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम कह देते हैं
टैक्सोनॉमिक, प्लेसिंग इट इन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसे नहीं कि हमारा दिल किया हम इधर रख दें, नहीं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमने उसको कैटेगरीज में रखा. टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की होता है बेटा, जैसे हम कहते हैं हम हैं, हमारे फादर कौन है, हमारे ग्रैंडफादर कौन थे, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे. सो दिस इज हायरार्की, फैमिली हायरार्की. दिस इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरी क्या आ जाती है, दैट इज किंगडम. कोई ऑर्गेनिज्म किस किंगडम से बिलोंग करता है, किस स्कूल का है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं उस स्कूल में, आगे चल चल के सिमिलैरिटी ऑफ करेक्टर्स कम होते जाते हैं. या देखो जरा, फर्स्ट इज किंगडम, फिर है फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. दीज आर द कैटेगरीज जिसमें हमने किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें लेट अस से, अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ह्यूमन के हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं. फर्स्ट नेम है जीनस का नाम, दूसरा है स्पीशीज का नाम. जैसे हमारा नाम है फर्स्ट नेम होमो सेपियंस. हाँ, होमो सेपियंस, बिल्कुल ठीक है. जीनस इज होमो, स्पीशीज इज सेपियंस. एस छोटा डालेंगे और इसको इटैलिक्स में लिखते हैं या अंडरलाइन करते हैं, या अपने नाइन्थ में पढ़ा होगा. तो ये कौन से किंगडम का है? दिस इज किंगडम एनिमेलिया. फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा. क्लास कौन सा है? मेमेलिया. ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा. फैमिली कौन सी है? होमिनाइटी. एनिमेलिया है ना, एक ब्रॉड करेक्टर है, बहुत सारे एनिमल्स है. कॉर्डेटा में नंबर ऑफ एनिमल्स इसके मुकाबले में कम हो गए, सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स आए जिनमें नोटोकॉर्ड है. वो कॉर्डेट्स जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स है वो क्लास मेमेलिया में आ गए. वो ऑर्गेनिजम्स जिनके डिजिट्स है वो आ गए प्राइमेटा में. वो प्राइमेट्स जो सीधे खड़े हो सकते हैं वो आ गए होमिनाइडी में. और फिर होमो सेपियंस तो ह्यूमन है ही है, राइट. तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम अप टू स्पीशीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच कैटेगरी डिक्रीजेस, बट नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स इंक्रीजेस. जैसे हम क्या कह देंगे कि भाई ये स्कूल के बच्चे हैं, ये सारे फला स्कूल के बच्चे हैं, वो आ जाएगा किंगडम. ठीक है, उसके बाद अब जी अलग अलग क्लास के कर दो, तो अब क्या बच्चे हर क्लास में थोड़े हो गए, बट उनमें सिमिलर करेक्टर, जैसे हम कहते हैं हाइट हो गई, एज हो गई, है ना, ये सब मैक्सिमम करेक्टर सिमिलर है, तो ये आ गए. फिर सेक्शंस में, ऑब्वियसली स्कूल ने सेक्शंस किसी कैटेगरी पे ही बताए होंगे, फिर सेक्शंस आ गए. फिर 90-100 वाले बच्चे एक जगह पे आ जाए, 80-90 वाले, उनका आई क्यू, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, कि वो वाले अलग हो गए. तो
नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस इन ईच कैटेगरी फ्रॉम अपर साइड टुवर्ड्स लोअर साइड, ठीक है, बट नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स इंक्रीजेस व्हेन वी ग्रो फ्रॉम एनिमेलिया अप टू सेफ्टी. इज इट ओके? मैं यहां लिख देती हूँ, एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज. मैम अपने टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बाद क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ एनिमल्स कहाँ पे लिखा है? टाइप्स ऑफ एनिमल्स मैम क्लासिफिकेशन एंड 0.5 और मैम 5 मिलियन है वो 0.5 है बेटा, ठीक है. एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द डिफरेंट कैटेगरीज डिक्रीजेस, दिस इज साइन ऑफ डिक्रीजेस, बट नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स इंक्रीजेस. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, इन दीज कैटेगरीज नेम द कैटेगरी विच हैज मैक्सिमम सिमिलर करेक्टर्स इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. जल्दी से बताओ मुझे जोरावर, नेम द कैटेगरी इन विच द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव मैक्सिमम सिमिलर करेक्टर्स. यस जोरावर. मैम किंगडम मैक्सिमम सिमिलर करेक्टर्स स्पीशीज. मैम होमो सेपियंस. सेपियंस जो स्पीशीज है उसमें मैक्सिमम सिमिलर करेक्टर्स है, और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसमें सबसे ज्यादा है? किंगडम में सबसे ज्यादा है. समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो पहले ये लिखो फिर हम आगे चलते हैं. तो थोड़ा सा हम स्पीशीज के बारे में करेंगे कि स्पीशीज क्या है. स्पीशीज तो स्पीशीज है ना बेटा, टर्म स्पीशीज was coined by John Ray. ठीक है जी, तो सबसे पहले तो स्पीशीज टर्म जो है ये दिया था जॉन रे ने. और स्पीशीज क्या चीज है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. और हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू मायर. साइंटिस्ट का नाम है मायर. उसने क्या कहा कि स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो ऑर्गेनिजम्स एक जैसे दिखते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं. राइट, सो अकॉर्डिंग टू मायर द ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है एक्सटर्नली, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड कैन
इंटरब्रीड, इंटरब्रीड होता है आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, एंड कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. Belong to same species. For example, अगर हम बात करें कि चाइनीज है और इंडियंस है तो मतलब मॉर्फोलॉजिकली वही दो आंखें, एक नाक, दो कान, इसी तरह से दो फोर लिम्स, हिंड लिम्स, इसी तरह की मॉर्फोलॉजी है. थोड़े बहुत तो करेक्टर वेरिएशन होती है, बट they can interbreed with each other and produce fertile offspring. So they belong to same species, sapiens. Right? ठीक है. तो इस तरह से दो ऑर्गेनिजम या बहुत सारे ऑर्गेनिजम जो बाहर से एक जैसे लगते हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, they belong to same species. Is it okay? ठीक है. Yes, ma'am. हम क्या कह सकते हैं कि कैट एंड लायन, हम लायन को कहते हैं कैट और लायन, मतलब कैट को कई बार हम कहते हैं शी इज ए मासी ऑफ लायन, बट दे डोंट बिलोंग टू सेम स्पीशीज. व्हाई? बिकॉज़ दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर. जैसे फॉर एग्जांपल ये है पेंथ्रा लियो, ये है लायन. दूसरा है पैंथेरा टिग्रिस. क्या फर्क है दोनों में? ये है टाइगर. इन दोनों का जीनस सेम है बट इनकी स्पीशीज अलग है, क्योंकि ये नेचर में आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते. और थोड़ा सा हम यहाँ पे और करेंगे, एंड कैन इंटरब्रीड इन नेचर. नेचर में फ्रीली इंटरब्रीड कर सके बेटा, क्योंकि ये देखा गया है कि लायन और टाइगर को अगर हम एक ही पिंजरे में एक ही जगह बंद कर दें और इधर उधर वो ना जा सके, मतलब एक लायनस कर दे, एक टाइगर कर दे, तो दे कैन इंटरब्रीड, बट नेचर में नहीं. नेचर में लायन इंटरब्रीड विद लायनस ओनली, राइट? टाइगर इंटरब्रीड विद टिग्रस ओनली. ठीक है. सो दैट इज वाई दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज. इज इट ओके? लिखो. कि भी क्लासिफिकेशन जो है एकदम ही किसी साइंटिस्ट ने दी और वो एक्सेप्ट हो गई, नहीं. धीरे धीरे मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन बदलते गए. ठीक है. तो अब हम वो देखते हैं कि कैसे है. तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल. बेटा ये तकरीबन 1700-1800 में ऐसा किया होगा. हमारी बुक्स में वही अंग्रेजों का टाइम चल रहा है, एरिस्टोटल ने किया थी. ठीक है. ऑल्दो इट वॉज नॉट द केस, क्योंकि क्लासिफिकेशन अगर हम चाणक्य के टाइम में, मतलब 300-400 एडी की अगर हम बात करें या बीसी की बात करें, तो क्लासिफिकेशन तो हमेशा से रही. बट ये जो एरिस्टोटल ने जब से, या उसके बाद लीनियस आया या कुछ आया, इन्होंने आगे कोट करना शुरू कर दिया, इनकी बुक्स आ गई और ये सब, इसलिए हमें पता चल गया. हमारा लिटरेचर जो था, इंडियन लिटरेचर, जिसमें ये चीजें बहुत पहले से थी,
वो जला दी गई, वो खत्म कर दी गई, इसलिए हमें नहीं पता। हम अब यही पढ़ते हैं, यही अंग्रेजों का पढ़ रहे हैं। ऐसे लगता है कि भी इंडियंस तो ये पढ़ के ऐसे लगता है कि इंडियंस जो थे वो तो बेवकूफ थे, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं था, या बाकी की दुनिया को तो कुछ आता ही नहीं था, सिर्फ अंग्रेजों को, यूरोपियंस को ही कुछ आता था। ठीक है, बट इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, हर जगह का अपना लिटरेचर था, क्लासिफिकेशन इससे पहले भी थी। बट चलो हम एरिस्टोटल से ही बात करते हैं कि एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन। बाय एरिस्टोटल ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ही क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू इनेमा एंड एनेमा। इनेमा मीन्स विद आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और ये विदाउट आरबीसी। ठीक है, बहुत अर्ली अटेम्प्ट था, कुछ इसको मतलब इसको मायने दिया नहीं गया, इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ठीक है, फिर आ गया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। किया तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं है, बट किंगडम्स बनाए, किंगडम प्लांट ही, किंगडम एनिमेलिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लिनियस। ठीक है, ही क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन? ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, क्या डिसएडवांटेजेस है? फर्स्ट है नो डिस्टिंक्शन ऑफ, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं हुई प्रोकैरियोट्स, आपने पूरा लिखना है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से है, यूकैरियोट्स किसमें आते हैं, कुछ नहीं, सब मिक्सचर है। सेकंड है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड टुगेदर। थर्ड है फंजाई is totally different from plants. Plants तो mainly वो होते हैं जो photosynthesis करते हैं, फंजाई तो कभी भी, कोई भी फंजाई photosynthesis नहीं करती, but placed in kingdom plantae ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। फिर अब सेल वॉल है प्लांट्स की तरह से, इसलिए उसको प्लांटी में रख दिया, अदरवाइज दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। अनदर इज no specific position of
वायरसेस, उसके बाद एक आ जाते हैं प्राइमोल्ड्स एक्सेट्रा। इनकी कोई पोजीशन नहीं है, कहाँ रखें कहाँ ना रखें इनको। इज इट ओके? ठीक है, सो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, वो स्लाइम मोल्ड्स क्या है? स्लाइम मोल्ड्स बेटा हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में, मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ नाम से आपको एक यू शुड बी यू नो सुना हो भी स्लाइम मोल्ड भी कोई ऑर्गेनिज्म है। किंगडम प्रोटिस्टा में बताऊंगी आपको। मैम आपने लास्ट में कौन सा पॉइंट बताया था कि कोई पोजीशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन है वायरसेस को कहाँ रखें, क्योंकि वायरसेस आर इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन, क्या रखें, क्या पोजीशन है इनकी। स्लाइम मोल्ड्स फंजाई लाइक लगते हैं बट फंगस नहीं है, इनको कहाँ पे रखें, तो ये कुछ बता नहीं था, राइट? उसके बाद आ गया बेटा थर्ड, आ गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये पूरा लिखना, प्रपोज्ड बाय हीकर। ही सेपरेटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड क्रिएटेड किंगडम प्रोटिस्टा। उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स निकाले और किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिए। ठीक है, सो थ्री किंगडम्स कौन से हैं? किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम एनिमेलिया। तो यहां पे सिर्फ ये सेकंड पॉइंट सॉल्व हुआ, बाकी सारी ड्रॉबैक्स तो अभी भी है। फिर आ गया बेटा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब सेल के अंदर भी हम झांक सकते थे। सेल के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से? प्रोकैरियोट्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम यूकैरियोट्स। तो उनको पता चला ओहो ये तो प्रोकैरियोट्स बहुत ही डिफरेंट है यूकैरियोट्स से। तो यहां पे तो दे डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम मोनरा ऑफ प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो सारे कहां पे चले गए? मोनरा में चले गए। उसके बाद थर्ड है किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अभी भी फंजाई का मामला अभी भी अटका हुआ है बीच में। इज इट राइट? ठीक है जी, तो ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन तक, बट अभी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी सक्सेसफुल नहीं है। ये आगे चल के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आएगी,
फिर हम उसके बारे में करेंगे, पहले आपके फोर किंगडम तक लिखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके बारे में लिख लो। इट वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker, ठीक है, according to Whittaker, along with gross morphology होता है external character, along with gross morphology, comma, characteristics like cell structure, mode of nutrition, evolutionary history, are also important. Another is methods of reproduction and habitat are also important for classification. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। Whittaker divided organisms into five kingdoms based on cell structure, number of cells, mode of nutrition. ये तीन इसमें बेसिक फीचर्स दिए। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन, ये ध्यान से समझो, बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, उसमें सेपरेट किया किंगडम मोलरा, या हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर ही डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ऑल प्रोकैरियोट्स प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, तो सबसे पहले आ गया किंगडम मोनेरा, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, चाहे फोटोसिंथेटिक है, कुछ भी है, प्रोकैरियोट होना चाहिए, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है उसको रख दिया किंगडम मोनेरा। यूकैरियोट्स यहां पे आ गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, यूकैरियोट्स बहुत सारे हैं, नाउ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स या फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स,
ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. उसके बाद है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ये भी बहुत ज्यादा है. देन नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन दो कौन सी टाइप की? ऑटोट्रॉफिक और फिर है हेटरोट्रॉफिक. मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैविंग फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, इसको रख दिया किंगडम प्लांटी में. जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स थे वो फर्दर दो टाइप के थे. एक में आ जाती है सेपरोबिक न्यूट्रिशन, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, और दूसरी आ जाती है इंजेस्टिव न्यूट्रिशन, जो फूड खाते हैं और अंदर डाइजेशन होती है. सेपरोबिक में डाइजेशन बाहर मीडियम में होती है, द ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब लिक्विड फूड. इंजेस्टिव में कि अंदर जाके डाइजेशन होती है. तो सेपरोबिक न्यूट्रिशन वाले कौन से आ गए? किंगडम फंजाई. एंड इंजेस्टिव न्यूट्रिशन वाले कौन से आ गए? किंगडम एनिमेलिया. तो पांच कौन से किंगडम्स हुए हैं बेटा? पांच किंगडम्स हैं किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया. यहाँ ध्यान से दोबारा से बात सुनो करो. सेप्रोबिक एंड इंजेस्टिव में क्या फर्क है? सेप्रोबिक हो जाता है जिसमें डाइजेशन बाहर मीडियम में हो, ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब द सिंपल फूड. वेयर एज इंजेस्टिव मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेशन इज इनसाइड द ऑर्गेनिज्म. इज इट राइट? सो दीज वर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है जी, पहले ये लिखो फिर मैं आपको टेबल भी बता देती हूँ भी क्या है. राइट, चलिए करो. नेक्स्ट हमने बेटा जो ये फाइव किंगडम्स किए, फाइव किंगडम्स आपने नाइन्थ में भी किए हुए हैं इसलिए सबको पता ही है. किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम यू नो मोनरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. राइट, तो हमने इन किंगडम्स में क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है वो करनी है. तो यहाँ पे पहले आ जाओ, पहले देखना है ध्यान से, पहले सुनना है उसके बाद नोट करना है. करेक्टर्स किसके हमने करने हैं? मोनरा, प्रोटेस्टा, फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया. राइट, तो सबसे पहला करैक्टर क्या है? इट इज सेल टाइप. तो जो मोनरा है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, और बाकी सब यूकैरियोट्स है. आपने पूरा लिखना है मेरी तरह, ये एब्रीवेशन से नहीं लिख देनी है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेल वॉल.
जो मोनरा है उसमें सेल वॉल किसकी बनी हुई है? हम इसमें कहते हैं नॉन सेल्यूलोसिक, सेल्यूलोस की नहीं है, एंड फॉर्म्ड ऑफ म्यूरिन। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड्स। मोनरा करेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे कि म्यूरिन क्या चीज है, बट नॉन सेल्यूलोसिक है, ठीक है। प्रोटिस्टा में इफ प्रेजेंट, अगर ये है तो इफ प्रेजेंट इट इज सेल्यूलोसिक। इफ इट इज प्रेजेंट इट इज सेल्यूलोसिक। जो फंजाई है सेल वॉल और काइटिन, बहुत सारे बच्चे इसको चिटिन भी बोलते हैं, चिटिन नहीं होता, इट इज ए काइटिन। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंगल सेल्यूलोज। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ईशान। ईशान बेटा पहले हम जो कर रहे हैं ये नोट कर लेना, फिर मैं yes, ma'am. क्लास के बाद, राइट? ओके मैम। सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की बनी है, जिसको हम कहते हैं फंगल सेल्यूलोज। प्लांटी में सेल वॉल सेल्यूलोसिक, सेल्यूलोज की बनी है, और एनिमल्स में आपको पता है इट इज एब्सेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एज यू ऑल नो प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं है? बिकॉज डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम क्या कहेंगे? इट इज एब्सेंट। बाकी सब में प्रेजेंट और सेम तरह की होती है, कोई डिफरेंट नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल अदर। नेक्स्ट आ जाती है बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि टिश्यूज है कि नहीं, ऑर्गन्स है कि नहीं, वो बताना है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मोनरम्स है बेटा यहां पे यू नो सेल्स ही है, बैक्टीरिया के सेल्स है, हम कभी नहीं कहते बैक्टीरिया के टिश्यूज है, ठीक है। सो दे हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोटिस्ट है वो तो है ही यूनिसेलुलर है, तो दे ऑल्सो हैव सेलुलर। वहां पे टिश्यूज तो हो ही नहीं सकते, टिश्यूज तो तब होंगे ना जो बहुत सारे सेल्स हो। उसके बाद फंजाई में, फंजाई में लूज टिश्यूज है, टिश्यूज है तो सही, बट हम क्या कहेंगे? टिश्यूज नॉट वेल डिफाइंड। टिश्यूज नॉट वेल डिफाइंड। उसके बाद प्लांट्स में टिश्यूज भी प्रेजेंट है एंड ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, रूट स्टेम लीफ ये सब ऑर्गन्स है प्लांट्स। और यहां पे टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब ऑर्गन सिस्टम्स है। इज इट ओके? और उसके बाद देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
ये फूड कैसे लेते हैं, डिफरेंट मोड्स है. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दे परफॉर्म ऑल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्ट इंजेस्टिव. ठीक है, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक कैन बी फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक. पूरा लिखना है आपने, ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से पूछ लेना है. फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. उसके बाद हेटरोट्रॉफिक, इट कैन बी सेप्रोबिक, मतलब डेड डिकेइंग पे. इट कैन बी पैरासिटिक और इट कैन बी सिम्बायोटिक. ये सब हम डिटेल में अभी करेंगे जब हम किंगडम मोनरा करेंगे. प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोबिक भी है, पैरासिटिक भी है, सिम्बायोटिक भी है एंड इंजेस्टिव भी है. यहाँ पे एक अलग से आ गया, इंजेस्टिव भी है. फंजाई, फंजाई में सिर्फ हेटरोट्रॉफिक है. इट कैन बी सेप्रोबिक, पैरासिटिक या सिम्बायोटिक. प्लांटी में फोटोसिंथेटिक है और एनिमेलिया में हेटरोट्रॉफिक इंजेस्टिव. टेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेशन इनसाइड द बॉडी. ठीक है जी, तो पहले आप ये कर लो फिर हम आगे काम करते हैं. ठीक है, पहले आप राइट डाउन ऑल दी और फिर मैं एक एक करके आपको समझाती भी हूँ कि कैसे है कैसे नहीं. राइट, एक एक चीज और कि इंजेस्टिव या कुछ एनिमल्स में जो छोटे एनिमल्स हैं दे कैन बी सेप्रोबिक आल्सो. इंजेस्टिव और सेप्रोबिक. राइट, चलो पहले ये कर. चलिए जी, तो पहले हमने करना है किंगडम मोनरा. जैसे आपको पता है इट इज द किंगडम ऑफ ऑल प्रोक्रिया. कुछ भी हो प्रोक्रियोट का, जैसा भी स्ट्रक्चर हो, फ्लैजेला है नहीं है, प्लाज्मिड है नहीं है, फोटोसिंथेटिक है या हेटरोट्रॉफिक है, कुछ भी है बट वो प्रोकैरियोट है. प्रोकैरियोट कैसा होता है मैं अभी आपको बताऊंगी. दैट इज प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनरा. ठीक है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव या फिर फॉल्स, एंड क्रियोन, क्रियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोटिक मींस द ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट. ठीक है जी, और क्या क्या करैक्टर्स होते हैं पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर हम बात करेंगे. ये टिपिकल प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे.
सबसे बाहर है सेल वॉल. सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है. दे आर एनक्लोज्ड बाय सेल वॉल. दिस इज सेल वॉल. बाहर वाली सेल वॉल के बाहर क्या प्रेजेंट है? म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है. स्टिकी सब्सटेंस म्यूसिलेज. सिर्फ आप थोड़ा सा लगता तो गंदा है म्यूसिलेज का. थोड़ा सा ये करो जैसे वो लेडी फिंगर है ना, भिंडी होती है, भिंडी में जो लेस निकलता है दैट इज म्यूसिलेज. ठीक है, तो ऐसा ही स्टिकी सा सब्सटेंस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. दिस इज म्यूसिलेज, दिस इज सेल वॉल. ये अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है. This is called as mesosome. इसके साथ इसका ये क्या है? Genetic material जो coiled है और freely present है. इसमें कोई भी nuclear membrane नहीं है and it is attached with the mesosome. This is genetic material. This is cytoplasm. साइटोप्लाज्म में कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है जिसकी अपनी मेम्ब्रेन हो. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब एब्सेंट है. क्या प्रेजेंट है फिर साइटोप्लाज्म में? राइबोसोम्स प्रेजेंट है. और क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोजन बॉडीज. ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसकी, बस एक बाउंड्री सी है. ग्लाइकोजन जहां पे स्टोर है. देन देयर आर प्रेजेंट लिपिड ग्लोब्यूल्स. अगर ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है देन देयर आर गैस वैक्यूल्स. इसके बीच में गैस होती है. दीज आर गैस वैक्यूल. और क्या है? कुछ प्रोकैरियोट्स में देयर इज प्रेजेंट फ्लैजेला. फ्लैजेला की क्या पोजीशन है क्या नहीं वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी. बट इस तरह के कुछ में क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजेला. कुछ प्रोकैरियोट्स में बेटा हेयरी स्ट्रक्चर्स है कॉल्ड एज फिम्ब्रिया. Not all, again, सभी में नहीं, कुछ में present. This is the basic structure of prokaryotic cell, right? तो मैं इसको थोड़ा सा label कर दूं. सबसे बाहर mucilage sheath. फिर है सेल वॉल. हाँ जी पवन जोर बेटा, कब डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में, है ना? पवन जोर, एम आई ऑडिबल टू यू? डिस्कनेक्ट थोड़ा. सेल वॉल उसके बाद है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये हेयरी स्ट्रक्चर फिम्ब्रिया मेसोसोम फ्लैजेला राइबोसोम्स वॉल्यूटिन बॉडीज गैस वैक्यूल्स ग्लाइकोजन बॉडी। तो दिस इज अ टिपिकल, कई डिफरेंसेस आ जाते हैं, आई विल टेल यू जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मोनरा में डिफरेंसेस में बताई चलूंगी, बट दिस इज अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस मेक्ड है या न्यूक्लियर मटेरियल मेक्ड है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और कोई ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है जिसकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन हो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। तो मेम्ब्रेन यू नो ऑर्गेनेलीज विद मेम्ब्रेन जो होती है दे आर एब्सेंट या मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। देन न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल इज मेड इन प्रोकैरियोट राइट। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये लिखो जाए बना लो ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे, आगे हम नेक्स्ट टाइम इसको आगे लेके जाएंगे।